बाल बाल बचे भाई पूरी गौर पर। सामने गाड़ियां आ गई थी भाई, इस प्रकार से पूरी इस तरफ दबा ली थी गाड़ी वालों ने, लेकिन अजीत ने बहुत बढ़िया कंट्रोल किया, एक नंबर गाल। पूरी धड़कन भाई पूरी तेज तेज हो गई थी, क्योंकि गाड़ी मेरा तो भाई कले देने जगह ही दौड़ दी थी, फिर भाई कंट्रोल हो गया, ट्रैक्टर धीरे इतनी स्पीड में नहीं था मैं। भर रहे वैसा भाई मैं अजीत बोस के खाद भरने के लिए। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजेश आपका अपने न्यू व्लॉग में स्वागत करता हूं, आशा करता हूं सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो क्या कर रहे हो भाई साहब। भाई साहब आज है अपना तीसरा दिन और हम भाई कंटिन्यू कर रहे हैं भाई कचरे को ही ढक रहे हैं। आज अपना कचरा भाई 1 बजे तक लगभग पूरा फिनिश हो जाएगा, कचरे का काम पूरा। और भाई अभी मशीन अपनी खड़ी है यहीं पर कचरे के पास में, और यहाँ वाला ये भाई ढेर चल रहा है भाई, चेक करो आप इंटो से उधर वाला। तो मशीन को हमने यहीं पर खड़ा करके रखा है, इसलिए मशीन यहाँ पर इसलिए खड़ी है कि कहीं मशीन की ज़रूरत पड़ी तो भाई हम तुरंत यहीं से काम कर लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो भाई अभी मशीन को छाँव में खड़ा कर देंगे, फिर हम चलेंगे भाई ईंटें डालने के लिए। चलो भाई इसी के साथ करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। जिन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो जल्दी से जाकर पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना यार। चलो भाई ठीक है करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू, आप ही रखो भाई अपना काम कंटिन्यू। चेक करो भाई वो वाला ढेर पूरा कंप्लीट, इधर से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, सुबह कर दिया इसको, आज पूरा दिन में आज ही हुआ है ये कंप्लीट। इधर भाई यहाँ तक जो वो देख लो वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है ना आपको, वहाँ पर तिरपाल है और भाई एक तिरपाल आगे आना और बाकी एक तिरपाल आते ही कंप्लीट हो जाएगा काम पूरा फिनिश। ये चेक कीजिए आप, ला दादा मशीन रो काम है कि हैं खाली चौसिंग है रो। ये तो ये भाई मशीन का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि कल हमने शाम को पूरा काम सही कर दिया था। और मौसम चेक करो आज का भाई, मौसम एकदम शानदार है भाई, अभी कोई बादल वादल नहीं है और अभी कोई टेंशन वाली भी बात नहीं है। अगर बारिश आ जाए ना आज, अगर बारिश आ जाए तो भाई बढ़िया ही है, क्योंकि सारा कचरा अपना हो गया फिनिश। पहले क्या थोड़ा डर लग रहा था, डर ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं अपना कचरा खराब ना आ जाए, कहीं ला दादा कचरों खराब नहीं हो जाए, इस वास्ते डर लगा ना मन पहले। हाँ भेजने से भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इस वजह से डर लगता था हमें। अभी अपना कचरा पूरा एकदम कंप्लीट रूप से हमने ढक दिया है, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक ही तिरपाल और आएगा, एक तिरपाल आने के बाद भाई पूरा फिनिश हो जाएगा काम। आज 1 बजे तक काम पूरा कंप्लीट। कहीं भगदादा आज 1 बजे कंप्लीट हो जाए नहीं? हाँ भगदादा बता रहे हैं 1 बजे से पहले ही हो जाएगा। जन हूँ जाऊँ इंटर आ क्यों हैं? चलो भाई अभी हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, जो यहाँ नीचे कचरा पड़ा है ना ये चौसंगियों की सहायता से बागदादार ये कर लेंगे, बाकी जो लोडर से होने वाला था वो मैंने कल ही कर दिया था पूरा कंप्लीट, ये चौसंगियों से पास में कर लेंगे और कंप्लीट कर देंगे काम को। देखते हैं भाई साहब, कल तो हमने जो प्रॉब्लम इसकी सोल्व की है ना, अगर आज वो प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, अगर वो नहीं हुई ना तो भाई अपनी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि भाई नहीं तो इतना ज़्यादा नुकसान होने वाला था ना कि भाई क्या ही बताएं, क्योंकि हमें भाई कोई आइडिया नहीं था। और अगर इस वायर से नहीं प्रॉब्लम सोल्व होती ना तो हम तो भाई खा में खा अपने अल्टरनेटर को खोल के ही ले जाते मिस्त्री के पास, और कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना होते हुए भी भाई मिस्त्री तो आपको पता ही है भाई वो कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है, और दोबारा बनने के बाद भाई एक बार खुल गई ना चीज़ जो उसको भाई दोबारा उसी हिसाब से रिपेयर नहीं किया जाता है। तो भाई हमने भाई नई नई मशीन का और नया नया बिल्कुल किसी भी प्रकार के बिना प्रॉब्लम के भाई अपना अल्टरनेटर पूरा ख़राब हो जाता, ये तो भगवान का भाई लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें बचा लिया है। बाकी अभी तक कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी हम देखेंगे भाई मशीन के अंदर आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। रात को तो भाई बिल्कुल नहीं आ रही थी, कल मैंने काम किया तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, देखेंगे आज क्या प्रोसेस है भाई, क्या रिजल्ट रहने वाला है।
ये भाई लूज रह गई, मेरे को लगता है ये वाला लॉक ये डालना ही पड़ेगा। ये देख लो फिर से भाई, ये क्या प्रॉब्लम हो रही। अरे बंद तो हो जा पागल, अब हुई है जाके बंद। देख लो अभी तो तुरंत वो साइन चला गया, हो सकता है उसी तार के अंदर कोई फॉल्ट था भाई। जय श्री राम, लेके भगवान का नाम कर दिया भाई, मशीन को शुरू। वैसे काम तो अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ट्रैक्टर लेके ईंटें डालने जाना है। मशीन को थोड़ा छांव में खड़ा करते हैं, धूप बहुत तेज है भाई। जय श्री राम। अभी तो भाई बिल्कुल भी नहीं आ रहा है वो साइन, अल्टरनेटर जो करंट नहीं निकालता है वो। बढ़िया काम हुआ है भाई, इसीलिए बोलते हैं भाई मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बाकी ये तो भाई उस तार के अंदर कुछ फॉल्ट था इस वजह से निकला है, नहीं तो भाई हमें तो वही करना पड़ता, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है भाई। हो जाता है भाई, नई नई मशीन में भी समस्या होती है, नया नया अल्टरनेटर भी ख़राब होता है, सब कुछ होता है भाई। लेकिन फिर भी भाई भगवान ने हमें बचा लिया, क्योंकि अल्टरनेटर के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी, ये वायरों के अंदर ही प्रॉब्लम थी भाई। देख लो अभी तक बिल्कुल भी एक बार भी नहीं बोला है मशीन ने, नहीं तो इतनी बार में मशीन कितनी बार ही बोल देती। अभी एक बार पूरा सटा के खड़ा कर देते हैं खेजड़ी के पास, ताकि जब तक हम वापस आए तब तक मशीन को धूप ना लगे बिल्कुल भी। ये लो भाई, ये हमने रात को भर के खड़ा कर दिया था, और बॉस आ चुका है ड्राइवर, रात को पहली बार लेके गया था रात में, अभी दिन के अंदर चलाएगा भाई बॉस ट्रैक्टर। रात अपने पास था 1035, अभी अपने पास है 245, ये दोनों में सी गई। ये चेक करो भाई, जय श्री राम। आराम से आराम से, ये अटिन 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 अटिन, धीरे रख बड़े का मत सुन। चार नंबर गेयर तो बाल, वो
पूरा भाई बता बता के चलवाना पड़ता है क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली फुल लोडेड है। धीरे 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 जगह के अंदर नहीं देखना पड़ता हूँ, पहला हूँ धीरे रह क्या करो एकदम के आ जा मोटर बस आ जा के आ जा बता गला कटे समझ जाओ जा बा पहला हूँ धीरे बना कहाँ से कौन भाई अभी हो जाती बाल बाल बचे भाई पूरी गौर पर सामने गाड़ियां आ गई थी भाई इस प्रकार से पूरी इस तरफ दबा ली थी गाड़ी वालों ने, लेकिन अजीत ने बहुत बढ़िया कंट्रोल किया, एक नंबर गाल अजीत ने बहुत बढ़िया कंट्रोल किया भाई। कलेजे ने भाई जगह छोड़ दी अंदर से, मैंने सोचा भाई चली गई ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी धड़कन पूरी बंद हो गई थी क्योंकि गाड़ियाँ दोनों एक भाई गाड़ी के पीछे गाड़ी चौथर थी तो गाड़ी वालों ने पूरी ये साइड दबा के रखी थी। अरे आपको ही बताया भाई ट्रैक्टर जाएगा तो जाएगा कहाँ, फिर सोचे थे भाई मेरा तो भाई कड़े देने जगह ही दौड़ दी थी, फिर भाई कंट्रोल हो गया ट्रैक्टर धीरे इतनी स्पीड में नहीं था, मैं को पहले ही बोल रहा था गेयर डाउन करने के लिए, इस वजह से ट्रैक्टर रुक गया, अगर ज़्यादा स्पीड में होता ना तो भाई नहीं रुकता किसी भी हालत में। ठीक है यार अभी एक नंबर में चल रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे रखा कर, पहले से धीरे रखने का यही फायदा हुआ, अगर पूरा कैंसुट होता जना दंडे में जान तो बहुत अजा दे बार मैं तो जाने की हो ठीक रे भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ तो बालाजी महाराज ने बचा लिया भाई हमें, दो नंबर गाल दे बरूडे में वो डर हुए हाँ चंद्रो खाली मैं तो उतर जाता है कहीं कौन ठीक है भाई बचा लिया भगवान ने आज मेरे भाई यहाँ से स्ट्रिंग एकदम से टाइट पूरा कि कहीं इधर ना आ जाए इधर ना डालते तो भाई धीरे धीरे करके पूरा ट्रैक्टर कंट्रोल हो गया था। अगर उस टाइम फोन मेरे हाथ में होता ना तो भाई देखने का दृश्य था, अगर फोन मेरे हाथ में होता तो भाई देखने का दृश्य ऐसा होता दंडे के अंदर ही होता ट्रैक्टर है फोन मेरे हाथ में होता सर वो फोन पकड़े राख दो फिर ट्रेन पकड़ दो जाते रहे तो दंडे। हाँ अपना भाई सीन बन जाता आज तो फर्स्ट चढ़ाई आई है भाई अजीत की पहली चढ़ाई अब एकदम पीछे भेज रहे हैं कोई मोटरसाइकिल वाला रहूँ फोन तो काटे लो आगे हाँ एक में चलन दे हाँ रेस देवड़ी राग है साहब आधी देवड़ी राग ले हाँ सदरे हटा रहे राग गलत मत पग मत रागे बरे का लो बहुत छोड़ दे पग धीरे धीरे हाँ दे ले रेस दे धीरे धीरे नहीं साले भाई देख लो उठो रात एट पूरा उठो ना को आ गए भाई साहब अजीत के लिए लास्ट चढ़ाई आए तीन गाल ले हमने भाई रोक काटो रोक ले पहली रोक वाह आराम रेस भले मैं आराम उठ जेटो डाल दे सत्रह अठारह रेस रहने दे वाह अभी पूरा दिन में क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से पकड़ के रखता हूँ क्योंकि ट्रैक्टर आगे से उठेगा भाई पूरी कोशिश कर रहा है ट्रैक्टर उठने की ब्रेक राख ब्रेक कम कम ब्रेक कम राख दादरे पूरी कोशिश भाई रेस छोड़ दे रेस कम कर दे
ये देख लो भाई, भरे हुए व्हीकल में यही प्रॉब्लम रहती है, इसी वजह से हम डंडी ऊपर रखते हैं। डंडी ऊपर होने की वजह से इससे ज़्यादा ट्रैक्टर ऊपर नहीं उठता है, लेकिन रहते हैं पूरे सावधानी के साथ है, क्योंकि कहीं आराम भरी ना हो जाए, कहीं पत्ते ना टूट जाए। झटका नहीं लगने देना चाहिए बिल्कुल भी इसमें, और वैसा ही हम करते हैं, झटका नहीं लगने देते हैं। रोकर पहले गेयर न्यूट्रल कर, भिज लो मोटुडो। हाँ अब बोगाट पहुँचने वाले ही हैं भाई, आगे वाला खेत है, यहाँ पर थोड़ा रास्ता ख़राब है, इस वजह से भाई मैंने ले लिया। क्यों ये है भाई, ये मकान का काम चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर रास्ता पूरा कच्चा है, चेक करो आप, यहीं से लेना है हमें। हो चुके हैं भाई साहब वापिस खाली करके रवाना, भर रहे हैं भाई साहब आए हुए अजीत बोस के खाद भरने के लिए, जेसीबी लेके ईंटे डाल के हम आ चुके थे, और कचरा भी भाई सारा अपना फिनिश हो चुका था भाई, देख लो घर के पास ही है, बोस की डाणी यही है अपने पास में। अभी चलते हैं भाई अपना 45 ट्रैक्टर लेके, खाद की ट्रॉली ज़्यादा नहीं भरी है हमने, क्योंकि कहीं ट्रैक्टर फंस ना जाए, इतनी ही भरी है। चलते हैं भाई अभी फटाफट से। थोड़ी थोड़ी जगह में करेंगे भाई, खाली छोटी छोटी डिगलियां कर देंगे, ताकि इधर आ चुके हैं भाई सब वापस, ट्रॉली खाली करके वापस भर के, इस बार थोड़ी ज़्यादा डाल के ले जाएंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने सोचा कहीं फंस ना जाए, इसलिए थोड़ी कम में लेके गए थे, ट्रैक्टर को बिल्कुल ही पता नहीं चला, इसलिए इस बार कोशिश करूँगा मैं ये सारी एक साथ ही डाल लेते हैं। देखते हैं, इस बार ही हमने फुल लोड किए भाई ट्रॉली, देखते हैं लेकिन फंसेगा नहीं, क्योंकि टायरों में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा वजन नहीं है इसमें। प्रोसेस इस वाली ट्रॉली के अंदर भी कहीं ऊंची करूँगी, अलग अलग कर रहे हैं वो, चेक करो भाई अलग अलग, ये भी भाई अलग अलग, छोटी 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 सी ढेर कर रहे हैं, छोटे छोटे ढेर, ताकि भाई फिर साइड में भाई बिछाने में थोड़ी आसानी रहेगी, नहीं तो